कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं कि शो दैट फंक्शन इज एनालिटिक, समटाइम्स गिवन फंक्शन इज एनालिटिक देन प्रूव दिस वन, ऐसे रहते हैं टर्म. सो एनालिटिक है तो ये कैसे, अगर एनालिटिक गिवन है सो ये एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. तो गिवन अगर ये कंडीशन आपके पास में है कि इफ वी आर सेइंग फंक्शन इज एनालिटिक, तो हमारे पास में इसका मतलब है क्या क्या गिवन हो सकता है. सो अगर आपका कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब है आप ये लिख सकते हो देन यू एंड वी सेटिस्फाइड द सी आर इक्वेशन. और सी आर इक्वेशन मतलब क्या होता है, दिस वन इन ए कार्टिशियन कोऑर्डिनेट. सो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. और सी आर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पहला वेरिएबल है आर, इधर शिफ्ट करोगे तो ये होगा वन अपॉन आर वी थीटा एंड डेल यू बाय डेल आर सेकेंड वेरिएबल के टाइम पे माइनस आर वी आर. सो दिस इज अगेन ए सी आर इक्वेशन इन ए पोलर कोऑर्डिनेट. तो जैसे ही फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर कंडीशन मस्ट बी होल्ड. सेकेंड क्या इम्प्लाई करेगा ये, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो दिस इम्प्लाई फंक्शन इज एनालिटिक देन दिस इम्प्लाई एफ डैश इज एग्जिस्ट. तो फंक्शन मस्ट भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन ए गिवन रीजन, जो भी आपके पास में डोमेन दिया रहेगा ना उसके अंदर, जहां पे फंक्शन एनालिटिक है वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. थर्ड कंडीशन जो हमने कल देखा कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो यू एंड वी क्या होते हैं, यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शंस और इनको कहते हैं दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर. हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये यू हार्मोनिक की कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे और इसकी हेल्प से आप वी निकाल सकते हो और वी की हेल्प से यू निकाल सकते हो. अगर आपके पास में यू गिवन है सिर्फ तो यू कैन फाइंड द वी और वी गिवन है तो यू कैन फाइंड द यू. तो ये एक दूसरे से फाइंड आउट होते हैं. जब आपका फंक्शन एनालिटिक है तो दोनों के दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, तो ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ऐसे बोलते हैं उनको. सो यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शंस. सो व्हाट अबाउट द हार्मोनिक फंक्शंस, यू को हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे? यस वेरी गुड. यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो. यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ में प्लस वाई के साथ में एडिशन इज जीरो. वैसे ही वी के लिए अप्लाई करो, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो. सो इफ दिस कंडीशन इज होल्ड देन वी कैन से यू एंड वी इज हार्मोनिक. और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो बिना प्रूफ किए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यस ये कंडीशन 100% होल्ड होगा, क्योंकि हमने थेरम में प्रूव किया कि थेरम क्या कहता है, फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर के यू एंड वी हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं. और जब हम थ्योरम में प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है ये ट्रू हो जाता है फॉर एवरी फंक्शन. तो कोई फंक्शन चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ इट इज एनालिटिक देन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशंस. तो एक तो वी फाइंड आउट करो ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे या फिर बताएंगे कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू. अब कैसे सेटिस्फाइड करना है, यहाँ पे तो फंक्शन एनालिटिक लिखा नहीं है. सो कंडीशन में देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फंक्शन इज एनालिटिक. सो सबसे पहले यू को हार्मोनिक शो करो. और ये एग्जाम्पल में अगर यू का डेरिवेटिव निकालते एक्स से दो बार तो ये भी जीरो आता है, y से टू टाइम्स डेरिवेटिव आगे ना जीरो. सबको पता है कि कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं. तो इसको अगर ट्वाइस डिफरेंशिएट करोगे x से सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x x इज जीरो एंड v विद रिस्पेक्ट टू ट्वाइस y इज जीरो. तो दोनों डेरिवेटिव्स अगर जीरो आते हैं तो ऑब्वियसली u x x प्लस u y y इज जीरो. दिस इम्प्लाई u इज हार्मोनिक फंक्शन. आपको फाइंड आउट क्या करना है उसके ऊपर आ जाओ. हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी को फाइंड आउट करना है. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है टू फाइंड वी.
जिसको फाइंड आउट करना है ना, उसी को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्या लेना है? हमें पता है कि हमें अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नोन है तो यू कैन फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग फंक्शन। सो ये मैं लेती हूँ डी वी, और डी वी मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वी, एंड दिस कैपिटल इज डिनोटेड द टोटल डेरिवेटिव। अब वी हमें पता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक्स से भी डिफरेंशिएट हो सकता है, वाई से डिफरेंशिएट हो सकता है। सो ये अगर एक्स एंड वाई दोनों से डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो डी वी मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, जितने पॉसिबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो उनको निकालना है बाय अप्लाइंग द चेन रूल। सो इट इज ए डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स। तो वी का चेन रूल अप्लाई किया तो डी वी, तो डी वी तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करोगे तो यहाँ पे डिवीजन में एक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो डेल वी बाय डेल एक्स। प्लस सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, वी को आप वाई से भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, डेल वी बाय डेल, ये वाला कंडीशन होता है। दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी। तो टोटल मतलब वी के पास में दो वेरिएबल है तो दोनों से उसको चेन रूल अप्लाई करके एडिशन। सो ये बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन यू कैन राइट डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई, एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब वी वाला टर्म को कन्वर्ट करना है तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू एक्स, एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू, क्योंकि हमें यू गिवन है तो यू अगर गिवन है तो यू कैन टेक कन्वर्ट दिस टर्म इंटू यू। तो डेल वी बाय डेल एक्स, सो वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स, एंड डेल वी बाय डेल वाई इज यू एक्स डी वाई। पुट द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इन दिस टर्म। डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, इक्वेशन माइनस टू एक्स। ये जो डेरिवेटिव है डेल यू बाय डेल वाई, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन को अगर वाई से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस डेरिवेटिव इज माइनस टू एक्स, एंड देयर डी एक्स एज इट इज। प्लस डेल यू बाय डेल एक्स, इसको अगर एक्स से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स वन माइनस वाई डी वाई। मतलब आपके पास में टर्म क्या आ गई, therefore dv is equals to twice x dx plus twice 1 plus y twice 1 minus y dy। यही टर्म को मैंने जस्ट यहां पे लिख दिया। नाउ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो वी गेट डी आंसर। सो फॉर द आंसर हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमारा इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आता है तो इट इज एग्जैक्ट, इट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एग्जैक्ट किसी भी डिफरेंशियल को एग्जैक्ट थोड़ी ना बोलेंगे, कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द एग्जैक्ट। बट वेन इट इज एग्जैक्ट इफ डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। ये डी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, ऑलरेडी एक्स का कोएफिशिएंट है तो इसको वाई से डिफरेंशिएट, डी वाई का कोएफिशिएंट तो वाई का कोएफिशिएंट को एक्स से डिफरेंशिएट। अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो देन वी कैन से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट होने से क्या फ़ायदा होगा, सो अगर एग्जैक्ट हुआ तो सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट होता है, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इज इंटीग्रेशन ले लो एम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे इट इज ए पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्शियली मतलब आप एक्स से कर रहे हो तो वाई इज ट्रीट एज अ कॉन्स्टेंट, और एन में से क्या करना है विदाउट कंटेन एक्स टर्म, एन के अंदर से जिसमें एक्स नहीं है ऐसा टर्म लेके उसको वाई से इंटीग्रेट इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन में हम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को प्लस में लिख के
ये जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वेरिएबल लिख देना। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन बाय यूजिंग एग्जाम। सो इसी है, यहाँ पे भी आपके पास में डी एक्स है, डी वाई, तो डी एक्स का कोएफिशिएंट जो है ना उसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, बिकॉज एम के इसमें वाई का टर्म ही नहीं है। और डी वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको कर दो डिफरेंशिएट एक्स से। सो इट इज अगेन अ जीरो। ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गए, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इसको इंटीग्रेट करके क्या आंसर आएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वी है, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बाय एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट ने क्या कहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। हियर एम को पार्शली इंटीग्रेट करना है, पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एन के टाइम पे क्या करना है? विदाउट एक्स टर्म। इसका मीनिंग क्या होता है कि एम के अंदर का पूरा टर्म, एम इज अवर टू एक्स डी एक्स, और एन में जहाँ पे एक्स नहीं है ऐसा टर्म, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, एन में विदाउट एक्स वाला टर्म लिखना था, सो एन इज टोटली विदाउट एक्स लिख दिया यहाँ पे प्लस सी। ना हियर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ये टू एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। इस टर्म को एक एक करके इंटीग्रेट करो, आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट करो। इंटीग्रेशन ये टू इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज वाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज वाई स्क्वेयर बाय टू प्लस सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी। तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड वी, टू वी गेट द वैल्यू ऑफ वी इज दिस वन। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।